हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अजय मैटिची में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 10 फीट में कितने इंच होते हैं, यानी कि आज जो वीडियो होगी आपको फीट को इंच में बदलना सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ध्यान से देखें दोस्तों, कैसे हम फीट को इंच में कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही सरल और आसान है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को हम फिर से लिखते हैं कि 10 फीट बराबर क्वेश्चन मार्क इंच, कितना इंच होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम करेंगे क्या, पहले एक फीट में कितने इंच होते हैं, तो एक फीट बराबर 12 इंच होता है। तो यहाँ पर हमें बदलना क्या है, 10 फीट को बदलना है। तो जैसे दोस्तों एक फीट में 12 इंच होता है, अगर 2 फीट को हमें इंच में बदलना होता तो क्या करते हम, 2 × 12 करते बराबर 12 × 24 इंच। ठीक है, तो 2 फीट को बदलना तो इस तरीके से करते। तो इसी तरीके से अगर 3 फीट को बदलना होता इंच में क्या करते, 3 × 12 करते हैं, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है। तो इंच बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 36 इंच। यानी कि जब भी हमें फीट को इंच में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम, 10 फीट बराबर 10 × 12 बराबर 12 × 120 इंच, यानी कि 120 इंच होगा। ठीक है, तो हमें जब भी बदलना हो फीट को इंच में तो हम करेंगे क्या, 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जितने हमें फीट होगा उसमें गुणा कर देंगे, हमारा जो फीट में इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो यहाँ पर लिखते हैं, फीट को जब भी मैं इंच में कन्वर्ट करना होगा, 12 से उसमें गुणा कर दे, हमारा जो फीट है वो इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।